हेलो दोस्तों, बहुत शानदार लेसन के साथ आपके साथ जुड़ गया हूँ। गोइंग प्लेसेस लेसन है, यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नया जुड़ा हुआ लेसन है, तो इससे ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ इसकी जो थीम है वो बहुत शानदार है ना दोस्तों। तो थीम एडोलसेंट पर आधारित है, यानी किशोरावस्था पर आधारित है। तो यहाँ पर सोफी नाम का एक किरदार है जो कि एक कल्पनाशील लड़की है। वो कल्पना करती है और कल्पना को ही हकीकत मानती रहती है एक्चुअल में, है ना। तो ये अवस्था ही ऐसी होती है जब दुनिया की हर एक चीज़ आसान लगती है। यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड है, पहले हम सोफ़ी को बता देते हैं। यहाँ पे सोफ़ी जो है वही कल्पनाशील लड़की और मेन किरदार है, इसी के ऊपर पूरी कहानी है, है ना। जेंसी इसकी फ्रेंड है जो हकीकत से भी रूबरू रहती है। उम्र दोनों की सेम है लगभग। इसका एक भाई है और डैनी केसी नाम का एक फुटबॉलर है, है ना, जो कि अभी उभरता हुआ सितारा है। और इसकी कल्पना कर लेती है वो, इससे प्रेम की कल्पना कर लेती है और इससे मीटिंग की कल्पना कर लेती है। तो क्या कुछ कहानी के अंदर है, इस लेसन को पढ़ेंगे बेहतरीन ढंग से, पूरा लाइन टू लाइन यहाँ पे हिंदी में डिकोड करेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत कुछ ऐसे है, विद्यालय में पढ़ने वाली दो लड़कियाँ कौन सी हैं, सोफ़ी और जेंसी, ठीक है बात। विद्यालय से अपने घर आ रही हैं, सोफ़ी ने घोषणा करी कि वह एक बुटीक खोलेगी। क्या करेगी, एक बुटीक खोलेगी। जेंसी ने संदेह जताया क्योंकि इस प्रकार की वस्तु के लिए धन लगता है और जेंसी हकीकत से रूबरू है जबकि सोफ़ी को सब कुछ आसान लगता है, है ना। तो सोफ़ी ने कहा कि वह धन प्राप्त कर लेगी। जेंसी ने कहा इतना अधिक धन कहाँ से लाओगी तुम, है ना, इसमें समय लगेगा। तो सोफ़ी ने कहा तब तक मैं क्या करूँगी, मैनेजर बनी रहूँगी। जेंसी ने कहा कि कोई भी एकदम से थोड़ा मैनेजर बन जाता है, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोफ़ी ने अपनी कल्पना की उड़ान भरनी जारी रखी, यानी एक के बाद एक कल्पना उसको बतलाती रही कि सब संभव है, सब कर जाएंगे। तो कहती है कि उसने कहा कि वह मेरी क्वाइंट की भांति बनेगी, वह नगर में सबसे अधिक विस्मयकारी दुकान खोलेगी। यानी कि होगा क्या, उसकी इतनी शानदार दुकान होगी कि नगर में इतनी अच्छी दुकान किसी की नहीं होगी, ठीक है ना। फिर कि देखो लिखा है यहाँ पे इस पैराग्राफ के बाद ये है, यानी ये दूसरा है, तीसरा है, ठीक है बात। तो जेंसी जानती थी कि इन दोनों का बिस्कुट की फैक्ट्री में जाना तय था। वह उदास हो गई तथा इच्छा करने लगी कि सोफ़ी ऐसी बातें ना करे जो हो नहीं सकती। उसने सोफ़ी को समझदार होने के लिए कहा, दुकान पर काम करने के लिए अच्छे पैसे नहीं मिलते, इसके अतिरिक्त उसका पिता कभी इसकी आज्ञा नहीं देगा। सोफ़ी ने मार्ग बदल लिया, उसने कहा कि वह एक अभिनेत्री बन जाएगी। अब देखिए तुरंत चेंज कर लिया अपने आइडिया को, कहती है अभिनेत्री बन जाएगी, इसमें तो असली धन था ना, और साथ में अपनी बुटीक भी चलाती रहेगी, है ना। और अभिनेत्रियों के पास ज़्यादा इतना काम करना नहीं पड़ता, उनके पास पर्याप्त समय रहता है, और वो फैशन डिज़ाइनर बन जाएगी। जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है ना, जो कि एक समझदार इंसान की सोच से परे है लेकिन उसको सब हकीकत लगता है। घर में प्रवेश करती है वो, है ना, और फिर कहती है यदि कभी मुझे धन मिला तो मैं बुटीक खरीद दूंगी। छोटा डेरेक जो कि इसका भाई है, है ना, वो कहता है कि जो अपने पिता की कुर्सी की पीठ से झूल रहा था, बोला वो सोचती है पैसा पेड़ पर उगता है, है ना। ये थोड़ा ताने मारता रहता है इसको ताकि इसको बुद्धि आए, लेकिन आती नहीं है। लेकिन ये अपने भाई से बहुत प्यार करती है और उसको सारी हकीकत पहले उसी को बतलाती है, है ना। उनकी माँ ने आँ भरी। सोफ़ी ने उसकी पीठ को सिंक पर झुके हुए देखा। छोटा कमरा अंगीठी के कारण भाप से तथा मेज पर बनियान पहने बैठे हुए आदमी की भारी भारी सांस एवं कोने में लगे गंदे कपड़े के ढेर से बड़ा पड़ा था। सोफ़ी को अपने गले में कसाव महसूस हुआ, यानी घुटन सी महसूस करी। वो अपने भाई ज्योब को देखने के लिए निकल पड़ी कि मेरा भाई कहाँ पर है, है ना। ज्योब इसका बड़ा मतलब हमजोली भाई है ना इसको, और जो डेरेक है ना वो छोटा है, ठीक है बात। वह एक नौसिखिया मिस्त्री थी, वह नगर के दूसरे छोर पर प्रतिदिन अपने काम के लिए यात्रा करता था। वह ठीक है मतलब था, यहाँ पर ज्योब की बात हो रही है, ठीक है। वह अगले कमरे में घुटनों के बल झुका हुआ था तथा अपनी मोटरसाइकिल के एक पुर्जे के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ज्योब अब लगभग बड़ा हो चुका था। वह उसके जीवन के कुछ क्षेत्रों के विषय में संदेह करती थी, जिनके विषय में वह कुछ नहीं जानती थी तथा जिनके विषय में वह कभी नहीं बोला था, है ना। ऐसा प्रतीत होता था कि वह कहीं दूर था, मतलब अपनी इमेजिनेशन में कहीं खोया रहता था, अपने व्यापार के बारे में ऐसा कुछ सोचता रहता था। इस पैराग्राफ के अंदर बदलाया गया है। इस पैराग्राफ में क्या कर रही है, सोफ़ी ने ज्योब को बता दिया, है ना, और कह रही है कि डैनी केसी से भेंट हुई थी, और ये पूरी टोटल कल्पना है दोस्तों, है ना। भेंट हुई थी तो ज्योब इसका मजाक उड़ाता, विश्वास नहीं करता, कहना ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो उसको विश्वास दिलाने में लगी रहती है। फिर पूछता बताओ तुम डैनी केसी से कैसे मिली, तो बतलाती है कि मैं एक स्टेडियम में गई और इस तरीके से मिली, वहाँ उसने मुझे ऑटोग्राफ कहा। तो कहता देखो ये बात पिता से ना बतलाना, सोफ़ी बोली, नहीं तो वो मुझे उल्टा सीधा बकेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ज्योब कमरे की दीवार पर सोफ़ी ने यूनाइटेड की प्रथम टीम के दल के विशाल पोस्टर देखा, है ना। इसके नीचे रंगीन फोटोग्राफ की एक कतार थी, इनमें से तीन आयर लैंडवासी युवा प्रतिभा कैसी के थे, है ना, ये डैनी केसी के बारे में है, है ना। सोफ़ी ने ज्योब से यह वादा करने की कहा कि देखो, ज्योब को जो बताया कि भाई देखो मैंने तुमको जो बात बताई है वो पिताजी से ना बताओ, उसकी कैसी से भेंट हुई है, डायरेक्ट के लिए स्वहस्तलिखित हस्ताक्षर मांगे। अच्छा बताओ, चलो तुम्हारी भेंट हुई है तो बताओ तुमने उसका ऑटोग्राफ लिया, क्योंकि मैं उनमें से किसी एक के पास कागज़ नहीं था। तो कहती देखो हम ऑटोग्राफ इसलिए नहीं ले पाए ना क्योंकि हमारे पास ना कागज़ था, ना किसी के पास कागज़ था, ना ही कलम थी, तो ऐसा नहीं हो पाया, है ना। शनिवार को यूनाइटेड का मैच देखने गए, उनकी टीम ने 2-0 से विजय प्राप्त की, दूसरा गोल केसी ने किया था। सोफ़ी गर्व से चमकने लगी, जो अति प्रसन्न था, मतलब उसने थोड़ी बात बताई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, ये मैच देखने गए थे तब इसको कल्पना हुई थी ऐसी, है ना। अगले सप्ताह जो जेसी ने सोफ़ी से पूछा कि डैनी केसी से भेंट के विषय में वो क्या बातें करती रहती है, तो उसने कहा कि ऐसा है, इस बात को गुप्त रखना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पिताजी इस बात को समझेंगे नहीं। फिर वो
कहती है ठीक है मैं मिल के बताऊंगी और तुमको ऑटोग्राफ लेकर दिखाऊंगी। तो अंधेरे के पश्चात वो नायर के साथ चली जाती है ना। वह अकेले बैठकर सरू के वृक्ष के नीचे बैठ पड़ी रहती है एक बेंच, और ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर अकेले प्रेमी जोड़ों को मिलने के लिए बेहतरीन स्थान है ये, है ना। तो वहाँ बैठी और उसको ये कल्पना हो गई कि वो आएगा ज़रूर, है ना। तो वो बातचीत उसकी हो चुकी है, वो आएगा, है ना। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि शायद ऐसा संभव नहीं, शायद मेरी कल्पना है, लेकिन इस बात पर भी उसको कुछ नहीं, वो इमेजिन करने लग जाती। वो गली में जाने की सीढ़ियाँ चढ़ी, मदिरालय के बाहर उसने अपने पिता की साइकिल की दीवार के सहारे खड़े हुए देखा। वो प्रसन्न थी, जब वह घर जाएगी तो उसका पिता वहाँ नहीं होगा, है ना। उसने देखा कि अच्छा हुआ क्या है, इस पैराग्राफ में वापस आए तो इसकी कल्पना जो थी ना वो प्रतीक्षा करती रही, लेकिन दैनिक ऐसी नहीं आया। हो ऐसी कोई बात तो आवे ना, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो उसको लगने लगा अरे यार ये तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, है ना, अब मैं क्या जवाब दूंगी दुनिया को। फिर अपने मन में सोचती है दुनिया को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरा और कैसी का रिश्ता है तो वो है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, ठीक है बात। अब वो घर के लिए वापस चलती दुखी मन से, है ना। तो फिर वो देखे कि पिताजी मदिरालय के बाहर उनकी साइकिल खड़ी है पिताजी की, तो कहती चलो भला है कि पिताजी घर में अभी नहीं है तो बेटर रहेगा, है ना। फिर वो क्या करती है, मेहराब वाले गलियारे से निकलते समय उसने फिर राइस की दुकान पर के सामने डैनी केसी की कल्पना फिर से कर ली। उसने उसके विनम्र बारह सिंगे जैसी आँखें देखी, मतलब बारह सिंगा जैसी उसकी आँखों की कल्पना करी, क्योंकि फोटो वोटो में ही उसने देखा था उसको। उसकी कोमल सुरीली आवाज़ तथा हरी आँखों की चमक को याद करते हुए काफ़ी लंबे समय तक मेहराबदार गलियारे में प्रतीक्षा करती रही। फिर सोफी एक अन्य दृश्य याद आ गया उसको, है ना। पिछले शनिवार उसने कैसी को रक्षकों के पास से बिना, यानी कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर या फुटबॉलर या सेलिब्रिटी होते हैं उनके पास रक्षक होते हैं, तो वही इमेजिन कर रही है। आवाज़ किए हुए गरजते हुए गेंद को गोल में मारते हुए देखा था उसे, 50,000 समर्थकों द्वारा तालियों की प्रशंसा की गड़गड़ाहट की याद आई थी, है ना। तो यानी कि वापस से वो उसी कल्पना में खो गई, और मतलब थोड़ी देर के लिए उसको रियलाइज़ हुआ लेकिन फिर भी उसी कल्पना में डूबी रही। तो यहाँ पर यही बतलाने की कोशिश करी है लेखक ने कि एडोलसेंस एक ऐसी एज होती है, है ना, कि जहाँ पर सब कुछ आसान लगता है, सब कुछ हो जाएगा ऐसा लगता है। कुछ सोफी का भी यही कल्पनाशील व्यवहार था और वो हकीकत से थोड़ा दूर थी। तो दोस्तों कैसा लगा ये लेसन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए जो कि बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर की एक मुश्किल से इसके 5 क्वेश्चन निकालूंगा, और पर चैप्टर 5-5 ही निकालेंगे, है ना, और वो आपके लिए नोट्स रहेंगे जिनके अंदर से ही लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट सब बन जाएंगे, ठीक है बात। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।